होनी चाहिए। तो बटरफ्लाई की पूंछ को भी ऊपर लेकर एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रूमा डॉट अभी। तो आज का जो ये वीडियो है, ये है इयररिंग कलेक्शन वीडियो। तो किस लड़की को इयररिंग कलेक्ट करना अच्छा नहीं लगता? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी लड़की है जिसे कि इयररिंग कलेक्ट करना पसंद नहीं है। मतलब रेयरली 100 या 1000 में एक दो लड़की निकलेगी कि नहीं उतना इयररिंग कलेक्ट करना पसंद नहीं है। तो आज की वीडियो है इयररिंग स्पेशल वीडियो। मतलब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी इयररिंग्स की कलेक्शन है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे रैंडमली दिखाते जाऊँगी आपको, और मेरे पास इयररिंग इतनी सारी है कि मुझे दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा वीडियो को, मतलब आधा आधा करके, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो नहीं तो अगर मैं एक साथ दिखाऊँगी ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उतना ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, दो भाग में डिवाइड रहेगा इयररिंग कलेक्शन पार्ट 1, इयररिंग कलेक्शन पार्ट 2, तो वो सही रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा जो पहला जो इयररिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो है मेरे कान में, ये देखिए, ये है एक ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग, और ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। 30 रुपीज़ की है ये, और बहुत सुंदर लगती है। मतलब कोई बिलीव नहीं करेगा कि ये 30 रुपये की इयररिंग है, इतनी सुंदर इयररिंग है। तो ये है पहला मेरा इयररिंग। चलिए दूसरा इयररिंग मैं आपको दिखा दूँ। दूसरा इयररिंग मेरा ये है, जो कि है मोर डिज़ाइन का, आपको दिख रहा होगा, और बहुत सुंदर ये कलर कॉम्बिनेशन जो है ना, बहुत अच्छा है। ब्लू, रेड है, येलो, ग्रीन, तो ये आप कुछ भी, मतलब कि और हाँ, बीच में ये देखिए, यहाँ पे जो है ना, यहाँ ऑक्सीडाइज्ड है, तो आप इसको कुछ भी, मतलब ये जो कलर दिया हुआ है ना, 4 कलर, इसमें आप कुछ किसी के साथ भी पेयर कर सकते हैं। बहुत सुंदर दिखता है साड़ी के साथ या सूट के साथ। मैं तो इसे साड़ी के साथ ही पहनती हूँ, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाला लुक आता है, तो इसलिए मैं इसे साड़ी के साथ पहनती हूँ। देखिए बहुत सुंदर लगता है ये, साड़ी वाड़ी के साथ पहनने पे ना बहुत सुंदर लगता है। मैंने इसे साड़ी के साथ ही पहना है। अब है ये नेक्स्ट, ये छोटी सी एक नीचे झुमकी है, और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड है, ये पूरा ये हुक वाला है, ये ऐसे वाला हुक वाला जो रहता है ना वो है, और यहाँ पे बीच में एक सनफ्लावर टाइप का फूल दिया हुआ है, ये देखिए सनफ्लावर वाला फूल दिया हुआ है, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए ऑक्सीडाइज्ड है, तो ये कुछ ज़्यादा डार्क वाला ऑक्सीडाइज नहीं है, सिल्वरिश वाला जो लुक आता है ना ऑक्सीडाइज का, वही है, तो बहुत सुंदर दिखता है ये। बहुत छोटा नहीं है, मीडियम साइज़ का है, बहुत सुंदर लगता है, मीडियम में बड़ा है। आप इसको सूट के साथ या साड़ी के साथ पहन सकते हैं। मैं ये सब ज़्यादातर साड़ी के साथ ही पहनती हूँ, सूट या कुर्ती। सूट के साथ मतलब उतना मेरे पास सूट का कलेक्शन नहीं है। हाँ, कुर्ती के साथ मैं ज़्यादा मीडियम और छोटा वाला जो इयररिंग रहता है ना वो पहन, बड़े इयररिंग मुझे बड़ा पसंद है। इससे भी और बड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, ये मतलब मीडियम के बड़े हैं, तो ये जो है साड़ी के साथ मैं पहनती हूँ, सूट के साथ भी चल जाता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली इयररिंग, ये है गोल्ड के ऊपर काम की हुई, गोल्ड के ऊपर ये गोल्ड गोल्ड ही यहाँ पे स्टोन है, और ये जो है ना ये ब्लैक की है, तो ये आप ब्लैक या गोल्ड के साथ पहनते हैं ना, या ब्लैक गोल्ड मिक्स जो आपका रहता है। मैंने एक वीडियो बनाया है, मीशो हॉल वीडियो पहले मैंने बनाया था, वो बंगाली वीडियो था, उसमें मैंने ब्लैक साड़ी पहना था, तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छा जाएगा। तो ये बहुत सुंदर दिखता है ये वाली इयररिंग भी, टॉप्स है ये, मतलब कि टॉप्स की जो रहती है ना ऐसे, वो टॉप्स वाली डिज़ाइन की है, तो बहुत सुंदर दिखती है। ये देखिए, आप देख ही रहे होंगे, और कान पे पहनने के बाद भी ये बहुत सुंदर लगेगी। नेक्स्ट जो मेरा है वो है ये है ब्लू कलर का स्टोन, मतलब गोल्डन और ब्लू कलर का स्टोन। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, सबके पास ये होता है ये वाला डिज़ाइन, और आप इसे सूट या कुर्ती या किसी के साथ भी आप पहन सकते हैं। तो ये देखिए, हाँ नेक्स्ट मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये आप जीन्स के साथ पहन सकते हैं और वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, अच्छा लगता है। तो वो है ये, मैं उल्टा दिखा रही हूँ आपको, ये है,
बटरफ्लाई वाला डिजाइन है, आप पहनिएगा तो बहुत सुंदर लगता है, लंबे वाले कान के बहुत सुंदर लगते हैं, और ये बहुत ज्यादा पतला है, बहुत ही पतला है। आप इसको मतलब पहन के पूरा दिन इसको कैरी कीजिए, कुछ मतलब कि ये दिक्कत नहीं होने वाला है। और सबसे सुंदर पार्ट मुझे इसका ये लगता है, ये जो बटरफ्लाई वाला शेप है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने एक्चुअली इसको बटरफ्लाई देख के ही लिया था। नेक्स्ट मैं आती हूँ दूसरे कान वाले में, तो ये है, ये भी आई थिंक बहुत कॉमन है, बहुत सुंदर दिखता है ये, और आप पहनिएगा ना, ये भी हुक वाला डिज़ाइन है, हुक वाला डिज़ाइन है, आप पहनिएगा तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सुंदर लगेगा, और इसे मैं सूट या कुर्ती के साथ बिल्कुल पहनती हूँ, अच्छा लगता है ये। नेक्स्ट इयररिंग है मेरा ये, तो ये है छोटे छोटे जो बंगला में तो झिनुक बोलते हैं, वो स्नेल टाइप का जो होता है ना उससे, तो ये झिनुक जो होता है ना उससे बनता है, मुझे हिंदी में नहीं पता क्या कहते हैं, तो उसी का ये बना है, और ये जब हम पौंडीचेरी गए थे ना तब मैंने लिया था, बहुत सुंदर है। इसके अंदर जो है ना ऐसे दिया हुआ है बीट्स, तो बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैंने दो कलर का लिया हुआ है, एक ये ब्लू और दूसरा जो है वो है ये रेड कलर, ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने दो कलर ले लिया था। और ये मतलब कि आप जींस वगैरह के साथ या कुर्ती या फ्रॉक स्कर्ट वगैरह सबके साथ आप पहन सकते हैं, घर पे बाहर नॉर्मली, अगर कुछ नहीं मतलब कि भारी वगैरह कैरी करने का आपको नहीं मन कर रहा है तो आप छोटा ऐसा पहन सकते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट जो है वो भी मैं छोटा ही दिखाऊंगी, छोटा सा इयरिंग है, ये भी मैंने पौंडीचेरी से लिया हुआ है, मोर की डिज़ाइन है, अगेन मोर की डे, मतलब मुझे ना मोर की डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, का मतलब इयरिंग जो होती है ना मोर, अगर डिज़ाइन आप पहन लेते हो ना तो मुझे लगता है कि और कुछ पहनने की ज्वेलरी वगैरह ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो है ना ये छोटा सा इयरिंग है, बहुत अच्छा है, किसी भी इंडियन ड्रेस के साथ अगर पहनिएगा ना बहुत सुंदर लगेगा ये। और सबसे अच्छी बात इसका ये है कि बीच बीच में ये जो स्टोन दिया हुआ है ना यहाँ पे, यहाँ पे, तो इस पर जब लाइट पड़ता है ना गाइस तो ये पूरा एकदम चमकने लगता है, तो बहुत सुंदर लगता है। और ये जो मोर का जो मुंह सब में दिखता है ना कान वाले में, तो वो मुझे बहुत मतलब बड़ा पसंद आता है, बड़ा पसंद आता है, तो इसीलिए ये एक मैंने आपको मल्टी कलर दिखाया था मोर के डिज़ाइन का, आई थिंक सेकंड वाला होगा हाँ। और अब मैं आपको फिर दिखाती हूँ दूसरा मल्टी कलर, ये है, तो ये भी टॉप्स की डिज़ाइन की जो होती है ना, ये बड़े वाले टॉप्स, तो वही है यहाँ पे। ये देखिए बीच में जो है ना, बीच में पूरा स्टोन लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा स्टोन लगा हुआ है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर है, कलर मैं आपको बता दूँ, येलो है, ग्रीन, ब्लू, पिंक एंड रेड, ये पांच कलर है। और पांच कलर, ये जो पांच कलर है ना मतलब कि ड्रेस का, ये तो मतलब यही पांच कलर होता ही है ड्रेस में, तो आप कुछ भी पहन लीजिए, इंडियन वेस्टर्न के साथ उतना नहीं जाएगा, ये वेस्टर्न के साथ नहीं जाएगा, मुझे लगता है ये इंडियन के साथ है, इंडियन ड्रेस जो रहता है ना तो उसके साथ जाएगा। तो आप इसको सूट कुर्ती या नॉर्मल साड़ी के साथ आप पहन लीजिए, साड़ी के साथ तो बहुत वाकई बहुत अच्छा लगता है, और मैं तो ऐसा मतलब देख देख के खरीदती हूँ जो साड़ी के साथ ज़्यादा चले, क्योंकि मुझे साड़ी, मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं साड़ी कुछ भी ऐसा फंक्शन होता है ना तो मैं साड़ी ज़्यादा प्रिफर करती हूँ पहनना, तो इसलिए ये ऐसा देख के ही मैं पसंद करती हूँ। और ये जब आप पहनिएगा ना बहुत ही सुंदर लगेगा, वैसे इस साड़ी में भी अच्छा लगता है, बट मैंने सोचा कि नहीं आज मैं यही वाला पहन लेती हूँ थोड़ा सा ये पार वाला मैच करके, तो इसलिए मैंने ये नहीं पहना। नेक्स्ट आते हैं, मैंने अभी तक आपको इंडियन इंडियन कह रही थी, अब थोड़ा सा वेस्टर्न वाला भी लुक आपको दिखा दूँ, तो ये है टॉप्स, ये देखिए ये है टॉप्स, लेकिन टॉप्स की एक अच्छी बात ये है, ये झूला टाइप का जो आप देख रहे हैं ना, ये झूलने वाला चीज़ नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं इसका आपको फंडा बताती हूँ, ऐसे निकाल के ना और पेंच को, और इसको ऐसे इसको डालना है, और पीछे मतलब कि ऐसे जो है ना यहाँ पे ये दिखेगा कान के मतलब पीछे ये रहेगा ये वाला, और ऐसे ये रहेगा ऐसे करके वो दिखता है, तो बहुत सुंदर लगता है। तो मुझे थोड़ी सी अलग डिज़ाइन की लगी थी, और ये आप किसी भी वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, इसलिए ये अलग लगा था, इसलिए मैंने इसे लिया था, नहीं तो मैं छोटा, बहुत छोटा इयररिंग बहुत कम ही होगा मेरे पास, तब बड़े बड़े ही नहीं तो है, मुझे बड़ा बड़ा इयररिंग बड़ा पसंद है। तो नेक्स्ट आते हैं रिंग, तो रिंग के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको वो सब दिखाया ना, ये एक ऐसा इयरिंग है ना, मुझे लगता है ये सबके मतलब साड़ी पहनी है, वेस्टर्न पहनी है, इंडियन पहनी है, कुछ भी पहनी है, सबके साथ ये जाता है और बहुत अच्छा लगता है।
और बहुत लाइट वेट है, सबसे अच्छी बात ये है। और ये मैं पहन चुकी हूँ अपने एक वीडियो में, ब्लैक साड़ी का मेरा एक वीडियो है मीशो हॉल, जो कि मैंने बंगला में बनाया था, बंगला वीडियो है वो, ब्लाउज हॉल है। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, अगर बंगाली है यहाँ पे कोई मुझे देख रहे हैं तो ये इयररिंग मैंने तभी पहना था, और वो मेरा स्टार्टिंग मतलब तभी मैंने फर्स्ट पहना था और मुझे बड़ा पसंद आया था ये, मुझे लुक के कारण ही मैंने इसे लिया था। मतलब गोल्डन, गोल्डन के ऊपर गोल्डन स्टोन भी है, ब्राउनिश स्टोन है, तो बहुत सुंदर दिख रहा है। और आप मतलब ये भी वैसे ही है, कुछ पहनने का ज़्यादा कुछ मन नहीं करे तो आप इसे पहन लीजिए, बस बहुत अच्छा लगता है। और इंडियन वेस्टर्न दोनों के लिए, मतलब कि हल्का फुल्का लॉन्ग फ्रॉक हुआ या मैक्सी ड्रेस हुआ, कुछ भी मतलब कि कुर्ती हुआ, आप ये सब में आप कैरी कर सकते हैं, प्लस साड़ी में तो है। नेक्स्ट मेरा जो है वो ये थोड़े बड़े, तो लड़की लोग के पास ये होता है क्योंकि ये जो है ना इसका बड़ा फैशन चला था और बड़ा सुंदर लगता है ये देखने में, आप पहनिएगा ना तो अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। ये जो नीचे वाले जो है ना ये ऐसे निकले हुए, यही बड़े सुंदर दिखते हैं, आप ऐसे ऐसे घूमते हैं ना तो। हाँ तो ये मैं जींस के साथ पहनती हूँ, जींस टॉप, जींस ट्यूनिक, ये सब के साथ अच्छा लगता है। और ये है मेरा एक इयररिंग, नेक्स्ट मैं इयररिंग दिखाऊंगी पिंक कलर की। अगेन मैंने उसे एक लास्ट वाले वीडियो में पहना है, मीशो हॉल मैंने किया था लहंगा एंड साड़ी का, तो उसमें मैंने पहना था, आपको भी दिखाया था वो, तो वो है ये। और ये मुझे, अच्छा मैं उल्टा दिखा रही हूँ ना, एक मिनट, तो वो है ये है एक मिरर इयररिंग, मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, और नीचे जो बीट्स है ना वो पिंक कलर के हैं, तो यही रानी पिंक जो है ना वो मुझे बड़ा सुंदर लगा था, इसीलिए मैंने इसको लिया था। और मैं जितने भी आपको दिखा रही हूँ ना इयररिंग, कुछ भी मतलब ज़्यादा रेट का नहीं है, सब कम कम का ही है, मैंने यहाँ पे लोकल से ही लिया है। मैं किसी मतलब इयररिंग में मैं खास करके ज़्यादा कुछ प्राइस की नहीं लेती हूँ, हाँ मैं लेती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट अभी तक मैंने जो जितना भी दिखा है वो ज़्यादा रेट के नहीं है, मतलब 50 के नीचे के ही हैं जितने भी हैं। तो ये है वो, तो मुझे सुंदर लगा था और कान में पहनने के बाद अच्छे तो लगते ही, वैसे भी मिरर काम तो वैसे ही अच्छा लगता है, चाहे वो क्लॉथ्स में हो या इयररिंग में हो, तो इसीलिए मैंने इसे लिया था। और हाँ बहुत अच्छे लग रहे थे और मुझ पे ये सूट भी करता है, और ये मैं साड़ी के साथ पहनती हूँ, आप लोग किसी भी इंडियन ड्रेस के साथ ये पहन सकते हैं। नेक्स्ट मैं आती हूँ टॉप्स में, तो टॉप्स ऑक्सीडाइज टॉप, तो ये है वो, देखिए बड़े बड़े टॉप्स हैं, बहुत सुंदर लगता है। और इसे मैंने बहुत बार पहना है, बहुत बार मतलब लेने के बाद से मुझे लगता है इसके मैंने 5-10 बार तो पहन ही लिया होगा, कहीं भी जाती थी कुछ नहीं मतलब मिलता था, यही सामने रखा रहता था तो चलो इसी को पहन लिया। और ये मुझे मतलब ऐसा है ना, ये गाइस मतलब कुछ भी आप इन ड्रेस पहनिए, वेस्टर्न ड्रेस, ये सबके साथ बहुत अच्छा लगता है, इवन ये साड़ी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, इंडियन ड्रेस के साथ भी अच्छा लगता है, कुर्तीज़ वगैरह, तो ऐसा टॉप सबके पास होना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े टॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये फैशन में भी हैं, तो इसे आप बिल्कुल ऐसा टॉप्स ले सकते हैं और इंडियन या वेस्टर्न किसी के साथ भी ये चल जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो ये है मेरा नेक्स्ट इयररिंग। अब आते हैं अगेन मोर, तो मोर तो मतलब कि मैं चारों तरफ मोर ही मोर करते रहती हूँ, कभी भी मतलब कुछ इयररिंग समझ में नहीं आया कि हाँ कौन सा लेना है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो मुझे मतलब एक मोर ही दिखता है तो मैं मोर ही ले लेती हूँ कि हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो ये अगेन बहुत सुंदर लगता है, जींस के साथ ये मैं पहनती हूँ और ये बहुत ही लाइट है, बहुत ही लाइट है, पता नहीं ये टीना या किसी चीज़ से बना हुआ है, किस चीज़ से है, बट हाँ संभाल के रखना पड़ता है, लेने से ही नहीं होता है, कोई भी चीज़ आप लीजिएगा ना तो संभाल के रखना पड़ता है, ये थोड़ा सा भी बेंड होगा ना तो मुझे लगता है कि ये चला जाएगा, फिर पहनने लायक नहीं रहेगा, बट हाँ इसे मैंने संभाल के रखा है। ये मेरा हो गया आई थिंक 1 साल पहले ही ये मैंने लिया है, तो बहुत सुंदर लगा था मुझे, प्लेन सा है, ब्लैक के ऊपर लाइट, मतलब कि बहुत ज़्यादा चकचक वाला कान का जो रहता है ना वो नहीं है, नॉर्मल है, तो अच्छा लगता है और लाइट वेट है, सबसे अच्छी बात ये है, तो और लाइट वेट के लिए ही मैंने इसको लिया था। और इसमें मैं कन्फ्यूज़न मतलब 2-3-4 डिज़ाइन था वहाँ पे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे जल्दी करो, तो इसीलिए मैंने अगेन मोर का उठा लिया था, तो इसीलिए ये।
अगेन आते हैं थोड़ा छोटा इयररिंग में, तो वो है ये ब्लू कलर का इयररिंग, छोटा सा है पर प्यारा सा है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये है, तो ये मेरे कान में बहुत सूट करता है और मैं इसे सूट के साथ ही पहनती हूँ, सूट हो या कुर्ती हो तो यही सब के साथ पहनती हूँ। तो मैं ज़्यादातर इसे कुर्ती के साथ ही पहनती हूँ, अच्छा लगता है, छोटा सा है प्यारा सा दिखता है। एक ऑरेंज मेरा कुर्ती था, अब तो वो ख़राब हो गया तो वो मैं अब नहीं पहनती हूँ। तो ऑरेंज के ऊपर वो ब्लू का प्रिंट था, वो बहुत सुंदर लगता था, तो मैं उसके साथ ये पहनती थी। ये सिर्फ यही मुझे पहनना है और ये बहुत, मतलब बहुत अच्छा लगता था, बहुत जचता था उसमें, तो इसीलिए ये वाली इयररिंग नेक्स्ट है और अच्छी लगती है। आप किसी भी इंडियन ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, खास करके कुर्ती के साथ बहुत अच्छी लगती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बचा है, और हाँ ये है झुमके, छोटे छोटे झुमके, ये वाइट बीड्स के हैं। ये कलरफुल बीड्स भी था जब मैंने लिया था, बट मैंने वाइट के इसलिए लिए कि बहुतों के साथ चला जाएगा, और वाइट और ब्लैक तो मतलब कि मतलब बेसिक कलर भी बोल सकते हैं या इतना इंपॉर्टेंट कलर बोल सकते हैं, सब कुछ मतलब ब्लैक और वाइट ही होता है। कुछ भी समझ में ना आए आपको तो आप ब्लैक और वाइट लीजिए, मतलब सबके साथ वो चल जाना है, कोई भी ड्रेस के साथ। तो ये मैं इंडियन ड्रेस के साथ पहनती हूँ कुर्ती, खास करके वो जो डिज़ाइनर वो कुर्ती रहता ना उसके साथ मैं पहनती हूँ। और हाँ मैक्सी ड्रेस एक मैंने लिया था तो उसके साथ भी मेरा ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंडियन सा लुक आता है, बहुत प्यारा सा लुक आता है, तो इसलिए ये है मेरा नेक्स्ट कान वाला, ये देखिए। और हाँ ये हुक डिज़ाइन की है तो अच्छी लगती है, बहुत छोटी नहीं है और प्यारी सी लगती है। तो ये है, नेक्स्ट आते हैं अगेन रिंग में, तो ये है रिंग, ये और ये बहुत ज़्यादा भारी है, मैंने लिया था, मैंने 2 बार पहना भी है, 2 से 3 बार, बट इतना भारी लगता है ना इसे पहनने से, ये मुझे लगता पूरा वो लोहा का जो बना रहता है ना वैसा है। ये देखिए लोहा का है, ये ऐसे खुलता है ऐसे बंद हो जाएगा और अच्छा लगता है कान में, बहुत ज़्यादा भारी है इसीलिए मैं इसे नहीं पहनती हूँ, लिया था बट तौबा तौबा नहीं होगा मेरे से, तो इसीलिए मैंने इसे रख दिया, मैं इसे नहीं पहनती हूँ। नेक्स्ट आते हैं ये इयररिंग, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये छोटू सा इयररिंग है, छोटू सा, तो आप इसे सूट या कुर्ती के साथ पहन सकते हैं, ट्यूनिक के साथ पहन सकते हैं, तो अच्छा लगता है, ये बहुत प्यारा सा लगता है। और हाँ ये जो आप देख रहे हैं ना कलरफुल, ये कलर ये जो है ये लकड़ी की है, वुड की है, ये मैंने पौंडीचेरी में लिया था। एक्चुअली ये मैंने लिया नहीं है, मुझे वहीं पे मतलब हम लोग गए थे कपल में, तो हम लोग मतलब मेरे साथ जो गई थी तो एक मेरी फ्रेंड थी, मतलब बाद में मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई थी, स्टार्टिंग में तो नहीं, तो अभी के जो कॉलिग थे ना ऑफिस के, वही हम लोग साथ में गए थे, मतलब उनका ऑफिशियल टूर था तो हम लोग सब गए थे कपल सब, तो वहाँ पे हम लोग अच्छे फ्रेंड बन गए थे, तो उसी ने मुझे ये गिफ्ट दिया था, तो बहुत अच्छा है, थैंक यू दिव्या इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए, मुझे बहुत पसंद आया था। जहाँ पे वो बेचती है ना वो गर्दन में टांग लेती है, जैसे झालमुड़ी हम लोग के उधर बेचते हैं ना वैसे ही वो वहाँ पे इयररिंग ब्रेसलेट ये सब बेचते हैं, तो बहुत अच्छा। अच्छा ये मैंने एक और आपको दिखाया ना, ये तो ये दोनों इसकी और ये, क्योंकि वहाँ समुद्री इलाका है ना, समुद्र है वहाँ पे, तो इसीलिए इस ये जो झिनुक होता है ना वो बहुत ज़्यादा मिलता है, और मुझे हिंदी में नहीं पता, अगर आप लोग को किसी को पता है तो आप लोग बताइएगा। और ये वुड की जो बनी हुई है ना ये बहुत अच्छी लगती है, तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था, बड़ा यूनिक सा था। तो ये है, नेक्स्ट मैं आपको दिखा दूँ टॉप्स अगेन दिखाती हूँ, ये भी मेरा बहुत पुराना है बट मुझे बड़ा प्यारा लगता है, ये मैंने कोलकाता में लिया था, तो ये मेरा जो मैंने आपको दिखाया ना ज़्यादातर बैंगलोर का है, लेकिन हाँ कुछ कुछ है जो कोलकाता का भी है, निशानी के तौर पे मैंने रखा है। तो ये है इयररिंग, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है, ये छोटा सा है बट बहुत प्यारा लगता है, पहनिएगा बहुत सुंदर लगेगा, फेस में बहुत ज़्यादा अच्छा जचता है ये। और ये ब्लैक है और साइड में पूरा मतलब ब्लैक का ये बड़ा सा स्टोन है और साइड में पूरा छोटा छोटा वाइट का स्टोन है और नीचे ब्लैक कलर की एक बॉल लगी हुई है, तो ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी।
नेक्स्ट जो है वो है मेरा छोटू सा मल्टी कलर झुमका। अगेन ये भी मैं ज़्यादातर लोकल मार्केट ये सब जब जाती हूँ तब मैं पहनती हूँ, कुर्ती वगैरह या नॉर्मल मतलब कि ट्यूनिक जीन्स के साथ में मैं इसे डाल लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मतलब क्या काम चल जाता है ऐसे में, इतना छोटा छोटा अब नहीं पहनती हूँ, पहले एक टाइम था जब मैं पहनती थी, बट मुझे अब बड़ा बड़ा बहुत अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा इयररिंग। नेक्स्ट जो है अगेन छोटू सा है, इसे मैं बहुत पहनती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कभी भी खाली कान रहती हूँ तो लगता है कि नहीं कभी मतलब कुछ कान का डाल लो तो मैं इसे ही डालती हूँ, और ये मुझे बहुत पसंद आया था। ये जब मैं पहली बार बैंगलोर आई थी ना तब मैंने लिया था, तो ये हो गया 3 साल, हाँ ऐसे ही लगभग होगा। मतलब कि बैंगलोर का ये मेरा पहला इयररिंग था, तो इसीलिए मैंने इसे संभाल के रखा है। संभाल के क्या, इसे मैं संभाल के पहनती भी हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है, और बहुत अच्छे से ये मतलब कंफर्टेबली होता है, और एक तो छोटा है तो इसीलिए कैरी करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और एक ऐसे करके ना घुसा के फिर आपको ऐसे बंद कर देना तो ये कान में भी अच्छे से रहता है, पीछे भी नहीं लगता है। नहीं तो टॉप्स वगैरह में क्या होता है पीछे से लगने लगता है, चुभने लगता है तो हम निकाल देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो पहन के मतलब कि लगता ही नहीं कि हाँ कुछ पहना हुआ है, तो मैं मतलब पहनी ही रह जाती हूँ उसको, ऐसा है। नेक्स्ट जो है ये भी मेरा बहुत पुराना इयररिंग है, फिर भी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ जब मेरे पास है तो ये है, रेड कलर की है, और ये मेरी दी ने दिया था मुझे, छोटी वाली दी ने, तो बहुत प्यारा सा है, और मैंने बहुत पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहनती नहीं हूँ वैसे अभी, लेकिन हाँ बहुत प्यारा लगता है, तो इसलिए मैंने अभी संभाल के रखा है इसको। साइड से रेड है एंड बीच में एक छोटा सा वाइट कलर का स्टोन है, और नीचे ऐसे ही जो नीचे वाला है ना, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इसे संभाल के रखा है, तो पहनती नहीं हूँ बट हाँ ये मेरे पास है तो इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। नेक्स्ट जो है मेरा इयररिंग है वो है ये, अगेन मेरा ये कोलकाता में लिया हुआ है, और ये मुझे बहुत पसंद आता है, मैंने इसे साड़ी के साथ बहुत बार पहना है, बट हाँ इसका कलर गाइस बिल्कुल नहीं जाता है, जबकि ये सिटी गोल्ड की नहीं है, ये नॉर्मल है, बट पता नहीं किस चीज़ की बनी हुई है यार, जाती ही नहीं है, और बहुत प्यारा लगता है। कुछ भी ट्रेडिशनल पूजा वगैरह हुआ ना तो मैं उसमें साड़ी के साथ ये पहनती हूँ, और बहुत मतलब ये देख के ना कोई नहीं बोलेगा कि ये सोना का नहीं है, बट एक्चुअल में ये सोना का नहीं है। ये मैंने आई थिंक 20 रुपये में लिया था कोलकाता में, कोलकाता में वैसे भी रेट बहुत कम रहता है, और मुझे शॉपिंग करना वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये लिया था, और इयररिंग तो मुझे मतलब हमेशा से ही बहुत पसंद है, तो मैंने ये लिया था और ये मुझे बड़ा पसंद आया था, तो यही है मेरा नकली सोने का इयररिंग। ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो है एक टॉप्स, तो टॉप्स मैं आपको दिखा दूँ, ये है ऑक्सीडाइज्ड है, बीच में स्टोन लगा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे निकला हुआ है, और यहाँ पे भी बीच बीच में स्टोन लगा हुआ है नीचे से, तो ये बहुत सुंदर लगता है पहनने पे, और ये आप वेस्टर्न के साथ पहन सकते हैं, इंडियन के साथ भी मैं पहन लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अपने पहनने से मतलब आपको किसी कुछ भी ड्रेस के साथ अच्छा लगे आप इसे पहन सकते हैं, आपको जब कॉन्फिडेंस है कि हाँ अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल ही अच्छा लगेगा, और आपको जब अपने में ही लगता है कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो आप कुछ भी कर लीजिए आपको नहीं अच्छा लगेगा, तो बस कॉन्फिडेंटली पहनिए जो भी आप पहनते हैं, चाहे बड़ा हो छोटा हो कुछ भी डिज़ाइन का हो किसी के साथ भी हो, बस मतलब ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हम मैं अच्छी लग रही हूँ, तो ये है। तो नेक्स्ट जो आता है, हाँ मैं पहले ये दिखा दूँ, ये भी मेरा कोलकाता का छोटू सा टॉप, जब मैं कोलकाता में थी ना तो छोटे छोटे टॉप्स पहनती थी, छोटे इयररिंग पहनती थी, बट हाँ बैंगलोर आने के बाद सडनली मैं चेंज हो गई और मैं बड़े बड़े इयररिंग पहनने लगी, और पहले से ही मुझे अच्छा लगता था, बट यहाँ पे आके एक्चुअल में मैंने बड़े ट्राई किए तो अच्छा लगा, तो इसलिए मैं बड़े बड़े इयररिंग फिर मतलब कि पहनने लगी थी, अभी भी पहन रही हूँ, लगी थी क्या, अभी भी मैं पहन रही हूँ, तो हाँ तो ये है छोटू सा इयररिंग, और ये देखिए बीच में जो है ना ये ग्रीन का है, ये देखिए ग्रीन स्टोन है, साइड में वाइट स्टोन है, और ये बड़ा सा ग्रीन स्टोन है जो कि बहुत सुंदर लगता है, आप नॉर्मली पहन सकते हैं घर पे या थोड़ा बाहर चले गए, थोड़ा लोकल मार्केट उसके लिए सही रहता है ये। नेक्स्ट जो मेरा इयररिंग है वो है ये पॉम पॉम वाली इयररिंग, वो सबके पास आई थिंक ये तो सबके पास होगी क्योंकि पॉम पॉम इतना, और ये मेरा यहाँ से निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया, निकल गया होगा, मेरे पास दो था, एक मैंने पहन के मतलब कि ख़राब कर दिया, वो मैंने फेंक भी दिया, और ये दूसरा है, तो ये मैंने कभी कभार ही मतलब ये मैंने पहना ही नहीं है, एक ही बार पहना है फिर रखा हुआ है, पता नहीं ये कैसे निकल गया, अब तो
पहनती भी नहीं हूँ, तो बस ये मैंने आपको दिखाने के लिए बस ऐसे कि ये मेरे पास है। तो ये भी एक डिज़ाइन है पॉम पॉम वाली जो बहुत चली थी, और जब मैं पहनती थी अच्छी लगती थी, अब तो उतनी खास नहीं लगती है। तो ये है मल्टी कलर पॉम पॉम, और जिसको भारी कान वाला नहीं पसंद वो ये पहन सकते हैं। बड़ा मतलब लंबा का लंबा भी लगता है और हल्का भी लगता है, तो ये अच्छा फंडा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट मेरी जो इयररिंग है वो है ये। तो ये मुझे बहुत 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 पसंद है, इसलिए मैंने इसको आपको लास्ट में दिखाया। बहुत मतलब बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी क्या मतलब लंबी है, और बहुत प्यारी लगती है ये देखिए। और ये जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन के लिए ही मुझे इतना पसंद है। आप लोग देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि ये देखिए बटरफ्लाई डिज़ाइन है, एक एक बटरफ्लाई बना हुआ है, और गुच्छा गुच्छा बटरफ्लाई, मतलब अंगूर के गुच्छे होते हैं लेकिन आप बटरफ्लाई के गुच्छे होते हैं ये पहली बार देखा है। तो ये प्योर गोल्ड टाइप का नहीं है, रोज़ गोल्ड जो होता है ना उस टाइप का कलर का है, तो थोड़ा सा यूनिक कलर है। और पहनने के बाद तो खैर मतलब क्या लगता है, मतलब मज़ा आ जाता है देख के। तो इसे मैं हमेशा 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 वेस्टर्न के साथ ही पहनती हूँ, बट हाँ साड़ी के साथ भी मैं कभी ट्राई कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पहनी हूँ तो नहीं पहनूंगी। तो ये है मेरा लास्ट, तो फिर भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पार्ट टू इसका फिर आएगा। तो ये था मेरा पार्ट वन का इयररिंग कलेक्शन, तो आधा मैंने आज दिखाया, आधा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी, तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे इयररिंग कलेक्शन के साथ, जो मेरे बचे हुए इयररिंग्स हैं उसके साथ। आधा मैंने आपको आज दिखाया, आधा फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और टेंशन मुक्त रहिए। बाय बाय।